मी आरोहा द राइडर। हमने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था थंडरबर्ड ली है, अभी थंडरबर्ड को मॉडिफाई करना है। तो तब थंडरबर्ड मॉडिफाई करने गई तब मुझे पता चला कि इंडिया में मॉडिफिकेशंस बैन हो गया है। तो क्या क्या मॉडिफिकेशंस मैं अभी कर सकती हूँ अपने गाड़ी में? थोड़े मॉडिफिकेशंस इलीगल हो चुके हैं, थोड़े लीगल हैं। तो इलीगल मॉडिफिकेशंस के बारे में मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था। आपको अगर उसके बारे में जानकारी चाहिए तो ज़रूर मेरा लास्ट व्लॉग देख लीजिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है क्या क्या इलीगल मॉडिफिकेशंस है, मतलब जो हम कर रहे थे अभी इलीगल हो गया है, तो उसके बारे में निकली मैंने अपने लास्ट व्लॉग में एक्सप्लेन किया है। इस व्लॉग में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लीगल मॉडिफिकेशंस और मैंने अपने गाड़ी पे क्या क्या लीगल मॉडिफिकेशंस किया है। तो हम सर तो क्या क्या लीगल मॉडिफिकेशंस मैंने अपने थंडरबर्ड पे की है। तो ये मेरा थंडरबर्ड है, जब लिया था उस दिन इवनिंग का फोटो है ये। तो इसमें मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस किया है। मैंने अपने थंडरबर्ड के लिए जो भी एक्सेसरीज है, मैंने दिल्ली के कारोल बाग से रॉयल बुलेट वर्ल्ड एक्सेसरीज से ली है। उनका यूट्यूब में ये सारे मैंने वहाँ से ली है। उनका यूट्यूब में एक चैनल भी है, उनका एक वेबसाइट है, तो मैंने व्हाट्सएप के थ्रू उनसे चैट की है। तो उनके एड्रेस से मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स वहाँ से खरीदी है, इंक्लूडिंग व्हील। तो उनका डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर वहाँ से प्रोडक्ट खरीदिए, बहुत अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट्स मिलता है वहाँ से। तो मैंने अपने क्रैश गार्ड भी, एक मॉडिफिकेशन है क्रैश गार्ड, मैंने क्रैश गार्ड भी कारोल बाग से ही, मतलब रॉयल बुलेट वर्ल्ड से ली है। तो आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके का क्रैश कार्ड मिल जाएगा। तो मैंने मेरा क्रैश कार्ड का वेट अराउंड 4.5 kg है फ्रंट का, सेम ही है बैक का। मैंने रियर में भी क्रैश कार्ड लगवाया है ताकि डबल प्रोटेक्शन मिल सके, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी कार्बेज इतना सादा है। तो लेग प्रोटेक्शन के लिए मैंने लेग गार्ड, फ्रंट लेग गार्ड भी लगाया है, रियर लेग गार्ड भी लगाया है। और इसको कितना पैसा हुआ है, मतलब कितना कॉस्ट हुआ है इसका, वो मैं इसको कितना हुआ है, मतलब कॉस्ट कितना हुआ है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। यही लुक है मेरा, मतलब और मुझे अभी इसके बैक में इसको रॉप भी लगवाना है। रॉप मैंने ख़रीद के रखी है, टाइम नहीं मिला अभी तक लगवाने के लिए। नेक्स्ट है अलॉय व्हील्स। अलॉय व्हील्स भी अलाउड मॉडिफिकेशंस में आता है। अलॉय व्हील्स गाड़ी को बहुत अच्छा लुक देता है, लेकिन मुझे स्पॉक्स व्हील्स अच्छा लगता है अलॉय व्हील्स से ज़्यादा। नेक्स्ट आता है व्हील मॉडिफिकेशन। मैंने अपना व्हील भी कारोल बाग से ली है, ये मेरा न्यू टायर है, रियर टायर है। तो मुझे अपने गाड़ी का हाइट कम करवाना था, इसलिए मैंने कारोल बाग के कमलानंद जीत से बात की है। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि मैं रियर टायर 15 inch का डाल सकती हूँ, वैसा हाइट कम हो जाएगा। अभी ये 15 inch का रियर टायर है विथ 130 mm का विथ है इसका। और इसके बारे में भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, मैंने कहाँ से, मतलब कितना हुआ है मुझे। मुझे लगता है कि अराउंड 9K हो गया था इसके लिए मुझे, और वो भी मैंने कारोल बाग से ली है। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि कैसे लगाऊं, क्या करूं ऐसा। तो ये सलमान जी है, यही व्हाइटफील्ड में है इनका शॉप, और बहुत अच्छा काम करता है गाड़ी पे। तो भरोसा करके आप इनको गाड़ी दे सकते हैं। तो मैंने गाड़ी सलमान भाई को दी है। तो भाई अभी इसका रियर टायर चेंज कर रहा है। पहले थंडरबर्ड का टायर था, रियर टायर था 18 inch, अभी ये 15 inch का हो जाएगा। ₹8,500 इंक्लूडिंग GST प्लस शिपिंग। कारोल बाग दिल्ली, रॉयल बुलेट एक्सेसरीज। उनका साइट भी है भाई, रॉयल बुलेट एक्सेसरीज करके। ये रिम किसकी बोल रहे? अवेंजर्स की है, अवेंजर की। हाँ मैडम, सेल्फी कर रहा हूँ बोल रहे। मैडम को बोल रहा है रे दराज की बोल। हाँ ये हमारा सेट है, हमारा यहाँ नहीं सुन। 15 inch की बिल्ले
यार हमको लगता है तीन वो चक्कर ना तू इसका क्लाम दिया ना हाँ इसका क्लाम दिया ना इसका क्लाम दिया ना चाइना का टच हो रहा है वर्षों पे यार बहुत नॉइस आ रहा था बैकग्राउंड पे। सलमान भाई पूछ रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा फिटिंग्स वगैरह दिया है क्या, क्योंकि अगर टायर चेन को टच करेगा तो मैनेज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फिटिंग्स है, कुछ दिया है क्या, ऐसा सलमान भाई पूछ रहा था। और मिला था इसके साथ एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा फिटिंग भी मिला था। सपोज़ अगर चेन टायर को टच हो जाता है तो थोड़ा एक्सटेंड करके डालने के लिए एक एक्स्ट्रा एक्सेसरीज दिया था, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये तो 15 इंच का टायर है, रियर टायर है, और इसका विड्थ थोड़ा सादा है, एक्चुअली पीछे 120 है और इसका विड्थ तो 130 का है, लेकिन विदाउट एनी एक्स्ट्रा फिटिंग्स ये मैच हो गया था, चेन को टच नहीं कर रहा था। क्या है लिंक किसका जो व्हील फिटिंग का अगर टायर पंच हो रहा है हाँ तो उसके लिए आपको कुछ लिंक नहीं दिया क्या, वो वीडियो लिंक नहीं दिया है, ये दिया है और उनको कॉल करने के लिए कहा है। वन थर्टी है तो मौसम वाले टच नहीं होगा, अगर हो रहा है तो उसके लिए दिया है। ഇതിപ്പോൾ 16 ഇഞ്ചിൻ്റെയാണ്, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ 8 എന്നുള്ളത് 90 ആയില്ലേ, 12 എം എം അതിൻ്റെ അടുത്താണ്, എന്താ പറയുക 24 എം എം ആണ്, ആ 16 15 അടി ആയിപ്പോ ഇത്। जब आप टायर मोड पे करते हो, मैं ब्रॉड टायर्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जो अलाउड लिमिट है उसके अंदर आप अगर टायर मोड पे करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसा टायर का विड्थ, एस्पेक्ट रेशियो, और वो ये हाइट टू विड्थ का रेशियो होता है, देन स्पीड, ये सब स्पीड पे हो जाता है। तो जैसे मैंने अभी पीछे का टायर 15 इंच का किया है, तो ये रिम साइज है 15 इंच, तो क्या हो जाता है कि मेरा अभी स्पीडोमीटर है तो उस पर थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि ये 18 इंच का टायर था, रियर टायर, और उसको चेंज करके मैंने 15 इंच लगाया है तो थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, उसी तरह माइलेज में भी थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन मैं भी माइलेज पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, और स्पीड मीटर का वो भी मैं बाद में करेक्ट कर सकती हूँ। मेरा तो मेन इंटेंशन था कि मुझे सीट हाइट कम करनी है, मतलब जो गाड़ी की जो हाइट है उसको मुझे रिड्यूस करना था, तो मुझे 18 इंच का टायर चेंज करके 15 लगाना ही पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा माइलेज चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रॉयल एनफील्ड है, चलेगा। यहाँ पे लग रहा है तो
सलमान भाई ने शॉक अब्सॉर्बर का भी पोजीशन चेंज करके हाइट और भी कम कर दिया है। ये व्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मेरी गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है। उसमें आप देख सकते हो कि मैंने सीट मॉडिफ़ाई किया है, तो मैंने सीट कहाँ से मॉडिफ़ाई की है तो उसके बारे में, और कैसे मॉडिफ़ाई की है उसके बारे में मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। थैंक यू।